किसकी बायोपिक? मलाला, मलाली नहीं, मलाला बायोपिक. सो ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी. एंड सबसे मज़ेदार बात यह है कि रिसर्च उन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से की है. हर छोटा डिटेल, जो मलाला को कैसे बुलाते थे, उन्हें गुल मकई बुलाया करते थे, या जो माँ थी उन्हें पिशू बुलाया करती थी. सो वो सब चीज़ें, फिर मैंने पश्तो में गाना गाना सीखा उसमें. पश्तो इज़ नॉट माई लैंग्वेज, बट वॉज रियली नाइस टू लर्न दैट. किसी और की ज़िंदगी जीना और उसे एक पर्दे पर लेकर आना एक बहुत बड़ा हाई है और एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो इट फील्स नाइस टू डू अ फिल्म. और पहली बार मैं 10 कैमरा सेटअप की एक फिल्म कर रही हूँ, जहाँ जहाँ आप देखते हो वहाँ एक कैमरा लगा होता है. सो यू डोंट फील योर एक्टिंग. सो इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस. आई हैव फैबुलस एक्टर्स विद मी इन द फिल्म, एंड इट्स ग्रेट टू डू समथिंग फॉर समबडी एज इंस्पायरिंग एज मलाला. जन्नत कहते हैं कश्मीर को, और मुझे लगता है जो वहाँ गए हैं वो हमेशा जन्नत ही कहते रहेंगे. जिन्होंने, मेरा तो बचपन कश्मीर में बीता है. हमारी हर गर्मी की छुट्टियाँ कश्मीर में हुआ करती थी, क्योंकि हम पंजाब में रहते थे. वहाँ के चाहे सेब हो, वहाँ के एकदम खूबसूरत प्यारे लोग हों, वहाँ का टूरिज़्म हो, वहाँ की डल लेक हो, गुलमर्ग हो, जो जगह आप बोलें खूबसूरती से भरी हुई हैं. और मुझे नहीं लगता कि हमें शायद कभी बाहर जाने की ज़रूरत पड़े, जब जन्नत हमारे घर पे है. शूटिंग्स अभी हाल ही में दोबारा शुरू हुई हैं. आई हैव शॉट टू फिल्म्स देयर. अभी मेघना की फिल्म वहाँ शूट होकर आई है. सो आई थिंक फिल्म वाले ये कहीं ना कहीं नेचुरल ये दिखाते हैं कि नॉर्मल सी कहीं ला सकते हैं हम लोग. सो दिस इज़ अ ग्रेट एंडेवर टू ब्रिंग इन अ फेस्टिवल देयर एंड एनकरेज फिल्म्स इन कश्मीर, एंड आई एम ऑल देयर टू सपोर्ट दैट.